कई तरह के इलाज करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, इलाज सही से चालू है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता, तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। इस वीडियो में आप जानें क्यों ऐसा होता है और क्या उपाय करने चाहिए, रोग नाश कैसे करें। कई जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त होता है और कर्मों के सिद्धांत के मुताबिक अच्छे या बुरा फल भोगता है। जन्म से मृत्यु तक का कार्यकाल निश्चित है और वैसे ही जीवन की डोर चलती है। सुख में आनंद इस शरीर द्वारा दर्शाया जाता है, वैसे ही दुख में भी कष्ट का अनुभव भी इसी शरीर से होता है। इसी शरीर के माध्यम से भौतिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में हम प्रगति कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने शरीर का स्वस्थ निरोगी होना जरूरी है। कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी आ जाती है जिसका कई तरह के इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होती, तब हमें चाहिए कि हम दैवी शक्ति का सहारा लें, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, मंत्र साधना करें। हमारे यहाँ आध्यात्मिक जगत में उन्नत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, धर्मगुरुओं ने मनुष्य जीव के उत्थान हेतु कई ग्रंथ दिए हैं। उसी में से एक चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, जिसमें कई मंत्रों का संग्रह है और रोगनाशक मंत्र भी है। मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान के सही उपयोग से हम इन मंत्रों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नित्य रोगनाशक मंत्र का सही उच्चारण के साथ मंत्र जब तांत्रिक प्रयोग के साथ करें तो आदिशक्ति जगत जननी के आशीर्वाद से जो भी इलाज बीमारी को ठीक करने के लिए करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, रोग का नाश होगा, शरीर स्वस्थ बनेगा और जीवन का आनंद ले पाएंगे। आइए अब जानते हैं रोगनाशक मंत्र और तांत्रिक प्रयोग के बारे में। मैं सभी ग्रस्त साधक मित्रों का शुभचिंतक शैलेश पटेल, निसर्गोपचार, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र सलाहकार। आप सभी के लिए प्रस्तुत है रोगनाशक मंत्र और तांत्रिक प्रयोग। रोज सुबह महाकाली चित्र या यंत्र के सामने एक कटोरी में पानी ले एक मुट्ठी साबुत मूंग बीमार व्यक्ति खुद अपने ऊपर से 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा घुमाकर इस कटोरी में रख दे। 3 अगरबत्ती करे और रोगनाशक मंत्र को 108 बार जपे या सुने। रोगान शेषान पांसे तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान दिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। रोगान शेषान पांसे तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान दिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान दिष्टान तामाश्रितानां न विपन्नानां तामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। 108 बार मंत्र जपने या सुनने के बाद कटोरी में रखे हुए साबुत मूंग को कबूतर को खुद खिलाए या किसी को खिलाने बोले। कटोरी के पानी को किसी पौधे में डाल दे। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष में पंचमी, अष्टमी या एकादशी के दिन से यह प्रयोग शुरू करके 45 दिन तक बिना नागा करें। बाद में प्रत्येक बुधवार के दिन इस प्रयोग को करते रहें। बीमारी ठीक होने लगेगी, शारीरिक मानसिक पीड़ा खत्म होगी, जीने का आनंद ले पाएंगे। सभी ग्रह साधक मित्रों की सुविधा के लिए स्वयं सिद्ध रोगनाशक मंत्र 108 बार का सही उच्चारण के साथ का यह वीडियो मेरे इसी जय माता जी धाम शैलेश पटेल यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। जो लोग सही उच्चारण के साथ जप नहीं कर सकते वे लोग इसे सुनकर भी रोगनाशक मंत्र का लाभ ले सकते हैं। मैं आदिशक्ति जगत जननी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी रोगनाशक मंत्र का लाभ ले सके और गृह जीवन का आनंद ले सके। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसे ही मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, निसर्गोपचार, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य प्राचीन विद्याओं की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट करें, परिचित लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय माता जी।